Samsung Galaxy M54 5G, तो बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो आपको M सीरीज का एक नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, चाहे वो बात हो डिस्प्ले की, बिल्ड क्वालिटी की, या फिर प्रोसेसर की, या फिर इवन स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी में भी आपको बहुत ही डिफरेंट डिवाइस देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी टाइम बाद हमें M सीरीज का एक लेटर डिवाइस देखने को मिल सकता है। बेसिकली जो M सीरीज है वो एक ऐसी सीरीज हमें देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपको बजट कैटेगरी में बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ हमें ये जो स्मार्टफोन देखने को मिलता है। प्रीवियस मॉडल की अगर बात करें M53 की, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता था, बट अगर बात करें M54 की, तो वो भी स्मार्टफोन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक बयान करें बजट कैटेगरी का एक अपकमिंग स्मार्टफोन लेने का, तो डेफिनेटली वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्ले वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज हमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले वाइज हमें देखने को मिल जाएगी 6.7 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का पैनल देखने को मिल जाएगा, और ये डिस्प्ले आपको फुल HD देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फुल HD सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको A सीरीज के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। डिजाइन की अगर हम बात करें तो डिजाइन इसका बिल्कुल चेंज होगा, बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, बट बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े दो लेंसेज देखने को मिल जाएगा, और आपको जो है काफी अच्छी कैमरा शेप देखने को मिल जाएगी, और फ्रंट साइड में आपको सेम फोमचोल कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज यहाँ पर आपको दोनों इंप्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, डिस्प्ले में भी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, और बिल्ड क्वालिटी में भी आपको इस स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है प्रोसेसर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन की तरह से ना स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। सो बेसिकली जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर है वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा प्रीवियस मॉडल से, तो आपको बहुत अच्छी गेमिंग देखने को मिल जाएगी। रैम वेट्स की अगर हम बात करें तो 6GB रैम और 8GB रैम वेट हमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक 25,000 में एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लेने का प्लान करें हो, गेमिंग के लिए अगर आप स्मार्टफोन प्लान करो, तो तब आप इस स्मार्टफोन को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है कैमरा क्वालिटी वाइज, यहाँ पर आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा 108 MP का, 50 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और यहाँ पर आपको AIS इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो वो भी आपको 32 MP का देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें फुल HDR 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो कैमरा वाइज अगर हम बात करें तो कैमरा वाइज आपको इतनी इंप्रूवमेंट्स नहीं देखने को मिलेगी, प्रीवियस मॉडल में भी आपको सेम 108 MP कैमरा देखने को मिलता था, बट अगर बात करें इस मॉडल में भी आपको सेम 108 MP कैमरा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, वो आपको सिर्फ A सीरीज के ही प्रीमियम डिवाइस में ही देखने को मिलता है। सो कैमरा क्वालिटी वाइज ये जो स्मार्टफोन आपको बिल्कुल ही सेम कैमरा क्वालिटी, आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की अगर बात करें वह बैटरी क्वालिटी वाइज, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है 5000 mAh की लाल बैटरी है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। सो इसकी कन्फर्म या फिर लीक्स जो कि हमें अब तक ही देखने को मिल जाती है Samsung Galaxy A54 5G की, सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की लॉन्च और इसकी प्राइस की, तो लॉन्च डेट की अगर बात करें तो वो भी कन्फर्म नहीं देखने को मिलती है। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन आपको 30,000 के अंडर ही देखने को मिलेगा, इस एक्सपेक्टेड है कि इसके स्मार्टफोन की प्राइस आपको 27,000 तक देखने को मिल सकती है। तो क्या ये स्मार्टफोन लेना बेनिफिट है, या फिर आपको वेट करना चाहिए इस स्मार्टफोन के लिए, या फिर आपको कोई और स्मार्टफोन लेना चाहिए? तो बेसिकली अगर आप एक स्मार्टफोन प्लान करें अपकमिंग, तो तब आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हो, नहीं तो आपको काफ़ी ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है अदर कंपनी की तरफ से, आप उन स्मार्टफोन की तरफ भी आप जा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सब्सक्राइब करना, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सकते। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।